जबलपुर में भी मौन धरना रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता सुबह छोटी लाइन फाटक पर जमा हुए और इसके बाद उन्होंने सभी ने एक साथ मौन रहकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान का विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के सभी संगठनों के पदाधिकारी इस मौन धरना में मौजूद थे। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आयोजित किए गए इस धरना में भाजपा पदाधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर अपना विरोध दर्ज किया। संपूर्ण प्रदेश में नारी शक्ति के अपमान के विरोध में आज यहां पर बैठी है कि नारियों की जो अपमान कमलनाथ ने जो किया है इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में धरना दे रहा है। इस धरने का उद्देश्य मौन है कि अब हम लोग इनको क्या बोले, क्या सीख दें। कमलनाथ वास्तव में विचार से बहुत गंदे व्यक्ति हैं। हमारी एक कांग्रेस मित्र से अभी ग्वालियर में बात हुई, अनेक लोग भारतीय जनता पार्टी के सामने थे तो बोलते उनकी जो स्टाइल ही है, प्रियंका को भी वो अलग ढंग से संबोधित करते रहे, वो आज हम इसे माइक पे कहने में भी हमें शर्म आती है। तो प्रियंका गांधी को वो बहुत शर्मनाक स्टाइल से बोलते थे, यहाँ तक कि वो सोनिया को भी नहीं बख्शते थे। उनका स्टाइल है, बोलते हम अपने परिवार में इसी प्रकार की बात करते हैं। मैं आज उनसे यह प्रश्न करना चाहते हूँ कि नारियों का अपमान करना उनकी आदत है क्या, और केवल इसी कारण वो 15 माह के अंदर वो उनको अलग बिठाल दिया गया। इस प्रकार के दुष्चरित्र वाले व्यक्ति का कभी सम्मान नहीं होना चाहिए। आज हम लोग पूर्ण विरोध करते हैं और ज़ोरदार विरोध करते हुए कमलनाथ को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने आचरण और आदत सुधारें, अपनी शब्दावली सुधारें, तभी आप का कल्याण होगा।